ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओवीसी और आप देख रहे हैं बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जो नेक्स्ट वीक है वो कौन सा मूव दे सकता है वो हम चार्ट से देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम प्राइस एक्शन उसमें ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो इसमें हम देखते हैं तो आपका जो MACD है वो अभी हाल फिलहाल पॉजिटिव क्रॉसओवर में, तो मतलब वन वीक के हिसाब से जो आपका चार्ट है वो अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। और दूसरी बात, आप इसमें कैंडलस्टिक देख रहे हो तो कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी है वन वीक के हिसाब से जिसमें आपको बियरिश व्यू मिले। आपको एक अनडिसीजनल मिली, बाद में भी इस वीक में भी अनडिसीजनल मिल रही है, तो आपको इसमें से ऐसा नहीं मिल रहा है कि आप इसमें नेगेटिव व्यू रखो। तो जो हमारा वन वीक के हिसाब से निफ्टी में कोई नेगेटिव व्यू नहीं दिखाई रहे, ना तो MACD नेगेटिव है ना तो हमारी कोई ऐसे नेगेटिव कैंडल मिल रही है। अभी इसको मैं वन डे पे जब शिफ्ट करता हूँ तब इसमें देखते, तो वन डे पे जब शिफ्ट करते तो आपको इसमें क्या है कि MACD दोनों साथ में लाइन है, तो मतलब MACD भी कोई ऐसा प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा जिसमें आपको वन डे पे ऐसा लगे कि ये बियरिश व्यू है। और बाद में हम कैंडलस्टिक की बात करें तो हाल फिलहाल आपको एक हरामी पैटर्न देखने को मिल रही है, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। और दूसरी बात, आप जब देख रहे हो तो इसमें अभी एक हाल फिलहाल एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है जिससे हम एसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन जब भी इसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो जाएगा बाद में ही हम इसमें क्या है कि बुलिश व्यू में आ सकते हैं। तो जो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद इसमें आप बुलिश व्यू में आ सकते हो, लेकिन तब तक आप इसमें कोई बुलिश व्यू नहीं बता सकते। तो जो हमारा एसेंडिंग ट्रायंगल है उसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होने दो, बाद में ही अपना व्यू रखो बुलिश साइड। तो बाद में अगर हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें जो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा वो एक जोन की तरह रहेगा जो होगा 12,160 से लेके 12,120। अगर ये मेरे को उस जोन में कहीं कोई बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देता है चार्ट तो मैं इसमें बाइंग साइड आ सकता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये ट्रेंड लाइन जो स्मॉल टाइम फ्रेम 1 आवर्स पे एक ट्रेंड लाइन बनती है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, बाद में आप उसी जोन में जाओगे। तो पहला जो हमारा सपोर्ट होगा ये जोन होगा 12,120 से लेके 12,160। अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो जो हमारी राइजिंग सपोर्ट लाइन है उस पे आएंगे हम, लेकिन आई थिंक मेरे को लगता है कि उस जोन के आसपास ही आपकी राइजिंग सपोर्ट लाइन आएगी। तो आप देखो अगर आपको प्रॉपर कोई ये राइजिंग सपोर्ट लाइन या जोन के पास से कोई अपसाइड जाने का सिग्नल मिलता है तब आप इसमें क्या है कि अपना बुलिश व्यू बना सकते हो। और दूसरा बुलिश व्यू कब बनाओगे, जब ये प्रॉपर ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने के बाद। तो जो हमारा पहला जोन था वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो क्या होगा, तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 12,000 का लेवल। तो जो 12,000 का लेवल है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तो ये मेरे सपोर्ट के लिए है। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो हम दूसरा देखेंगे, लेकिन इसका थोड़ा चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन बात कर लेते, जो हमारा लास्ट एंड आखिरी सपोर्ट होगा वो होगा 11,800 का लेवल। तो अगर ये 12,000 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें 11,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सपोर्ट। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी 50 में तो वो होगा 12,300 का लेवल। अगर ये 12,300 का लेवल प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तब हम इसमें बुलिश साइड में आ सकते हैं। तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 12,300 का लेवल रहेगा। बाद में दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें तो ये राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन जो दिख रही है रेड कलर की, अगर ये ऊपर जाके ब्रेक करके इधर कोई क्या है कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का साइन देता है तब आप इसमें क्या है कि बियरिश व्यू में आ सकते हो। तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी 12,300 का लेवल। दूसरा ये क्या है कि राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है, तो आपको देखना पड़ेगा चार्ट में वहां कुछ मिलता है आपको कोई ऐसी, ऐसा भी नहीं होता वहां रेजिस्टेंस लेगा ही, इसको ब्रेक करके ऊपर भी चला जा सकता है। तो देखो प्रॉपर आपको कुछ चार्ट में देखने को मिलता है तब आप इसमें अपना व्यू चेंज कर सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट के मार्केट कैसे व्यू में है। तो ये हो गया आपका निफ्टी 50 का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जो मेरे को पर्सनली लग रहा है कि निफ्टी 50 मेरे को पर्सनली बुलिश व्यू में लग रहा है, लेकिन वो बुलिश व्यू कब मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो ये प्रॉपर ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने के बाद। तब तक लिए मैं ना तो क्या है कि बियरिश व्यू में आऊंगा ना तो बुलिश व्यू में आऊंगा। बाद में मैं बियरिश व्यू में कब आऊंगा, तो जो ये प्रॉपर जोन है जो आपका 12,120 से लेकर 12,160 का लेवल है, अगर उसको ब्रेक करके नीचे आएगा तब भी मैं इसमें बियरिश व्यू में आऊंगा, क्योंकि उस टाइम आई थिंक ये क्या है कि राइजिंग सपोर्ट लाइन भी ब्रेक हो चुकी होती है।
तो उसके बाद ही हम बियरिश व्यू में आएंगे। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर, उसमें क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो जब मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ तो पहले मैं 1 वीक का चार्ट लगाता हूँ, तो उसमें भी सेम है, मेरे को MACD बुलिश ही दिख रहा है, तो मतलब MACD से कोई ऐसा बियरिश व्यू नहीं दिख रहा है। लेकिन जब मैं चार्ट पे आता हूँ तो मेरे को इधर एक डोजी बोल सकते हो, बाद में आप हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो, तो ऐसी एक पैटर्न मिले, बाद में रेड कलर इसकी कंफर्मेशन भी मिल चुके, तो इसमें मेरा बियरिश व्यू रहेगा। लेकिन कंफर्मेशन मिले तो कंफर्मेशन का लो जब ब्रेक हो तब मैं इसमें प्रॉपर तरीके से बियरिश व्यू में आऊंगा। तो 1 डे पे वो आपको मैं बता दूंगा वो जोन क्या है। तो अगर मैं इसको 1 डे पे शिफ्ट करता हूँ तो 1 डे पे आपको देखने को क्या मिलता है कि हाल फिलहाल वही कि एक कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल डाउन साइड, 1 कैंडल ग्रीन, 1 कैंडल डाउन साइड। तो इसमें भी मेरा सेम व्यू है कि हाल फिलहाल आप कंसोलिडेट वाले जोन में है। हाँ, एक बात है कि आपको इसमें राइजिंग सपोर्ट लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही है, तो देखते आगे क्या होता है। तो इसमें जो मेरा पहला सपोर्ट होगा ये जोन ही होगा, पहले भी मेरा ये जोन था, लेकिन इसमें क्या किया लास्ट डे मतलब फ्राइडे इसने क्या किया कि सपोर्ट मतलब पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर सका, जो जोन थे वहीं से आपको एक अपसाइड देखने को मिल गई। तो ये जो जोन है वो कौन सा होगा, तो जो मेरा जोन होगा वो 31,960 से लेके 32,040 के बीच में होगा। अगर इस जोन में से मेरे को कोई अपसाइड जाने का सिग्नल मिलता है तब मैं इसमें बाय साइड आ सकता हूँ, तो ये जोन है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो हमारा दूसरा क्या है कि सपोर्ट क्या होगा, तो 31,765 का लेवल ये मेरा दूसरा सपोर्ट होगा। तो ये दोनों मेरे सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे बैंक निफ्टी में। तो जो इसमें बैंक निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो 32,615 का लेवल वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। अगर इन फ्यूचर उस लेवल के आसपास से आपको कोई डाउनसाइड जाने के सिग्नल मिले तब आप इसमें अपना बियरिश व्यू बना सकते हो। हाल फिलहाल मेरे को जो जोन लग रहा है मतलब जो जोन है मतलब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करूं उसके बीच में जितने टाइम घूमेगा तो मेरे को ये कंसोलिडेट वाला ही लगेगा, मैं प्रॉपर इसमें व्यू नहीं बना सकता, क्योंकि आप भी देख रहे हो एक दिन ग्रीन कैंडल, एक दिन रेड कैंडल, एक दिन ग्रीन कैंडल, ऐसा माहौल बन चुका है अभी। तो मैं प्रॉपर अभी क्या है कि या तो सपोर्ट का ब्रेक करने का वेट करूंगा या तो रेजिस्टेंस का ब्रेक करने का वेट करूंगा। 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मैं बोल रहा हूँ, नाम है 1 आवर्स के, 1 आवर्स पे आपको दूसरा मिल जाता है क्योंकि इतना बड़ा जोन है, तो इसमें आपको दूसरे क्या मिल जाते हैं कि आपको एक डाउन ट्रेंड मिलता है, अप ट्रेंड मिलता है, तो 1 आवर्स के हिसाब से आपको उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये मेरे मेन 1 डे के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा इसमें तो 32,615 का लेवल, अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो जो हमारी राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है, अगर ये इस पे भी कोई क्या है कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का साइन देता है तब हम इसमें बियरिश व्यू में आ सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा उस लाइन के आसपास क्या हो रहा है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में मेरे को हाल फिलहाल कंसोलिडेट जोन में ही लग रहा है। हाँ, थोड़ा निफ्टी से ज्यादा बियरिश व्यू इसमें है। ये 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको इसमें 1 आवर्स में दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।